हेलो गाइस, व्हाट्स अप फ्रेंड्स। तो फिर मैं आपके लिए लाया हूँ न्यू वीडियो। और पबजी अपडेट हो चुका है 0.19, जिसमें आप सबको मिलेगी कि न्यू मैप में आपको दिखेगा कि लेविक है, इरेंगल, मिरामार, सानुक। वैसे इरेंगल में ज़्यादा कुछ अपडेट तो मुझे वैसे कुछ दिखाने गया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। लेकिन लेविक सीरियसली यार, इट्स अ लिट, बहुत ज़बरदस्त मैप है। इसमें वैकेंडी सब कुछ इन्वॉल्व है, वैकेंडी, मिरामार, हर चीज़ इन्होंने इन्वॉल्व करके एक मैप बनाया है। और ये मैप 15 मिनट्स पर मैच है, जिसमें आपको हर चीज़ मिलेगा। और इसे ग्राफिक जो है फिलहाल बीटा वर्जन है, वो फुल्ली अपडेटेड नहीं है, लेकिन सीरियसली ग्राफिक इज ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त ग्राफिक है इसके। और इसमें आपको क्लासिक और अनरैंक क्लासिक्स भी मिलेंगे। अनरैंक क्लासिक्स में आपको सीजन 14 वार्म अप मैचेस मिलेंगे, जो आपकी रैंक्स में ऐड नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इसके मिशंस कंप्लीट करोगे तो आपको सीजन 14 के मिशंस में वो सारे चीज़ें अपडेट मिल जाएगी। तो इसमें क्या क्या आपके 5 पॉइंट्स कौन से हैं, ये सारे मिशंस यहाँ पे लिखे गए हैं। 30 मिनट्स पर मैच, डिफीट 5 एनिमीज इन क्लासिक मोड, फिनिश फर्स्ट प्लेस इन अ मैच इन क्लासिक मोड, फिनिश फर्स्ट प्लेस इन 2 मैचेस, फिनिश फर्स्ट प्लेस इन 3 मैचेस इन क्लासिक मोड। 7 डे का टाइम है, और ये सारे मिशन अगर आपने कंप्लीट किए तो ये सारे सीजन 14 आपके जो नेक्स्ट सीजन है उसमें ऐड हो जाएंगे। और इसके मेन बात ये है कि आप इसको सिंगल सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये रैंडमली सिलेक्ट होगा। अगर आप कितनी भी कोशिश करोगे इसको सिंगल सिलेक्ट करने की, नहीं होगा, ये रैंडमली सिलेक्ट होगा। और इसमें बहुत सारे अपग्रेड भी आए हैं, क्विक मैच, वॉर मोड और एरिना में तो खास अपग्रेड आए हैं। इसमें न्यू गन्स चुनो, M762, AKM और उसी, इन्होंने इसके बेटर वर्जन्स इन्होंने अपडेट किए हैं एरिना में। और चेयर पार्क 2 भी आया हुआ है। और क्लासिक मैचेस में सीरियसली लिविक इज लिट, और इसके अंदर आपके कुछ सेटिंग्स चेंज हो गए होंगे। और इसमें वैसे देखा जाए, अगर आप सेटिंग्स में चेक करोगे तो इसमें 2 ऑप्शंस उन्होंने ऐड किए हैं, कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग जो कि अनेबल है, और कैमरा रोटेशन वाइल एडियस। कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग आप सबको पता है कि बस जब लीन करते हो तो आपको 360 डिग्री में हर चीज़ दिखना चाहिए, और वाइल एडियस मतलब जब आप गन चलाते हो तब वो रोटेशन आपको सही जगह पे उस बंदे पे आनी चाहिए। कि हर अपने सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, वो डिपेंड है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अनेबल भी कर सकते हो। और मेन मतलब ग्राफिक्स में, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ग्राफिक्स में अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो राउंडेड कॉर्नर से आपके, तो आप डेफिनेटली आप इसमें सेटिंग कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि उनका फुल स्क्रीन रिकॉर्ड हो। तो ये सारे ऑप्शन, अगर किसमें नॉच है या बीच में कुछ नॉच है उनके, तो नॉच सिलेक्ट कर सकते हो। किसमें राउंडेड कॉर्नर है तो राउंडेड कॉर्नर सिलेक्ट कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। ये रिकॉर्डिंग के लिए होती है, अगर कोई चीज़ कोई लोग चाहते हैं कि अगर फुल रिकॉर्डिंग हो तो वो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल्स में जाएँ, कंट्रोल्स में ये जो किल इफेक्ट है, आप देख रहे हो मैंने इसका हाईलाइट किया है, आप इसका साइज़ कम कर सकते हो, उसको पोजीशन चेंज कर सकते हो। आपको नहीं चाहिए यहाँ पे, अगर उसको आप चाहते हो कि पूरे कम हो जाएं, आप दिखना नहीं चाहते तो भी आप कर सकते हो। वैसे ये मेरे को फ़ायदा का नहीं है, और जैसा है वैसा ही रहने दो, क्योंकि मेरा इसमें से कोई फ़ायदा है नहीं इसमें। और रही बात सेंसिटिविटी, तो वैसे कुछ चेंजेस नहीं है, हर चीज़ वैसे का वैसा ही है। पिकअप में भी कोई चेंज नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, इन्होंने इफेक्ट सेटिंग्स बहुत खतरनाक किए हैं। अगर आप इफेक्ट सेटिंग्स चेक करोगे तो डेफिनेटली हीट इफेक्ट अगर आप चेक करोगे, ग्रीन, ये कलर सीरियसली रेड काफ़ी लीड लग रही है। और डैमेज इफेक्ट रेड में ज़बरदस्त, यहाँ सीरियसली ये इफेक्ट ज़रूर ट्राई करना आप लोग। सीरियसली रेड बहुत खास लग रहा है। अगर आप डैमेज इफेक्ट या हीट इफेक्ट देखोगे तो रेड ऑसम, इट्स अ लीड, खतरनाक। और इसमें क्या कौन सी चीज़ें आई है वैसे देखा जाए तो, चलो हम लोग एक बार एक एरिना खेल के देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि एरिना में कौन कौन से चेंजेस आई हुए हैं। जैसे मैं तो कोई खास एरिना का प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं आप लोगों के लिए। मैं दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन से चेंजेस आई हुई है इसमें। ठीक है, ये एरिना है। अब चेको, अब देखो आप देखोगे इन्होंने क्या लिखा है। AKMXT, दिस एक्सपेरिमेंटल वेपन हैज बीन स्पेशली अपग्रेडेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो ये इसका यूज़ देखते, अगर हम देखते कैसा चलता है इसमें। ओ, सामने वाले बंदे काफ़ी स्क्वाड लग रही है, खतरनाक लग रही है। चलो एक बार टिक देख लेते हैं।
फाइट भी स्टार्ट हो गई। हो बॉम्ब भी फोड़ दिया होगा, मर जा। ये खतरनाक है। ओके सही है, डैमेज काफ़ी ज़बरदस्त है इसका, परफॉर्मेंस खतरनाक है। कोई आएगा नहीं यहाँ पे। प्रेडिटर ज़बरदस्त है, काफ़ी लिख के वैसे मैंने बटर परफॉर्मेंस किया है। कहाँ मार रहे यार, वहाँ पे लड़ाई चल रही है क्या? वैसे गन काफी लेट है, जबरदस्त है गन जिन्होंने अपग्रेड की है, वो काफी खतरनाक है जिन्होंने अपग्रेड की। अरे मारा क्यों नहीं? वैसे इसकी रिकॉइल तो काफ़ी अच्छी लग रही है, डैमेज भी काफ़ी सही दिख रहा है, डैमेज भी काफ़ी सही है, ज़बरदस्त है। वैसे हार क्यों रहे हैं हम लोग, हमारी टीम? मैं नॉर्मल फ्री फायर करता हूँ। अरे ओ, ये कहाँ से है? हाँ, बंदे काफी अच्छे हैं। कोई आगे ही नहीं आ रहा। सीरियसली काफी लेते हैं, बेवकूफ यहाँ से मारना चाहिए उसको। ऑलरेडी पता था मैं वहाँ से आ रहा हूँ, हाथ दे हैं। चलो सही है, वैसे मैप काफ़ी अच्छा है वैसे। अरे यार इस पे एक भी निशान लगा। वैसे टीममेट्स काफी सही खेल रहे हैं। अरे मुझे एक टाइम के लगा वो मेरा टीममेट है जिसे साइड से आया मुझे मारा। बॉम्ब बॉम्ब नहीं फोड़े हैं। सही है वैसे, गलत 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 गलत। Great. You're about to win. The blue team is about to win. चलो एक टीममेट तो चला गया, देखते हैं जीत सकते हैं कि नहीं। चलो जीते, काफी सही रहा, जबरदस्त रहा मैच। ओके 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 तो ये रहा एरिना का अपडेट। वैसे लेवी का अपडेट मैं आपको जल्दी बताऊंगा और कैसा है क्या है करके।
और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से गन हैं। वैसे काफ़ी अपग्रेडेड हैं और उसके अंदर मैं एक गेम खेल चुका हूँ, लेकिन उसके ग्राफिक्स जो है वो काफ़ी उसके ग्राफिक्स जो है वो काफ़ी सीरियसली काफ़ी अच्छे हैं। आप लोगों को सीरियसली बहुत मज़ा आएगा, आप लोग ज़रूर अपडेट कीजिए। वो अभी प्ले स्टोर में अपडेट आ चुकी है, लेकिन सीरियसली आप ध्यान से करना क्योंकि कभी कभी ग्लीचेस आ जाती है उसके अंदर, तो इसलिए ज़्यादा कुछ ये नहीं, बस एक अपडेट कीजिए, 1 GB तक अपडेट आएगा उसका। तो आप प्लीज़ ध्यान से करिए, ठीक है? मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, कि नया अपडेट कैसा है, क्या है करके। सीरियसली आप सबको पसंद आएगा, ज़रूर आएगा। खुदा हाफिज़।